रांची थाना क्षेत्र के बापूनगर में रहने वाले आदतन अपराधी राहुल चौधरी और संजू लोधी के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई, जहां इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार सिंधे ने जानकारी देते हुए बताया कि रांची क्षेत्र के दो आदतन अपराधी राहुल चौधरी और संजू लोधी जिनके विरुद्ध 18 और 13 अपराध थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। वहीं आपराधिक घटनाओं को देखते हुए क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग न हो सके इसके लिए इन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उक्त दोनों अपराधियों के विरुद्ध बंद पत्र का उल्लंघन कर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको देखते हुए रांची थाना प्रभारी के द्वारा एनएसए की कार्रवाई को लेकर पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया, जहां एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर ने एनएसए की कार्रवाई के लिए दोनों अपराधियों के विरुद्ध आदेशित किया, जहां दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध किया गया है। चौधरी है, दूसरे का नाम संजू लोधी है। दोनों के विरुद्ध संगीन धाराओं में काफी अपराध थे। जो राहुल लोधी है उसके विरुद्ध 18 अपराध थे, जिसमें हत्या का प्रयास और मारपीट के अन्य मामले और थे, और संजू लोधी के विरुद्ध 307, 327 और मारपीट के अन्य मामले इसमें थे। दोनों ही बहुत ही यानी क्रूर टाइप के आरोपी थे, जिनका जनता में काफी भय था। इस वजह से दोनों के विरुद्ध हमने एनएसए को कार्रवाई की है और उनका जे आर पी पेश किया है।